शांति 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 वेदो अखिलो धर्म वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है हमारा जीवन जब वेद अनुकूल होता है शास्त्र अनुकूल होता है क्योंकि वेद हमारे लिए परम प्रमाण है सारे संसार का जो ज्ञान है वह सब बीज रूप में वेदों में विद्यमान है उस भगवान का दिया हुआ वरदान है उसकी दी हुई यह जो वाणी है उसका ये संविधान है विधि विधान है उसको हम अपने जीवन में उतारें उसका आधान करें तो इस वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय निरंतरता से कर रहे हैं वेदोक्त तो वाणी व्यवहार क्योंकि वाणी व्यवहार ही हमारे व्यवहार का मूल है आधार है और यह परस्परता का क्योंकि परमात्मा भी हमको ये कल्याणी वेदवाणी उस परमात्मा की ही वाणी है हम उसको आत्मसात करें और अपना ऐसा ही जीवन बनाए जैसा प्रभु का उपदेश है तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के तृतीय मंडल के चौवनवे के दसवें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु का उपदेश किन ने सुना अर्थात प्रभु का जो उपदेश है प्रभु की जो वाणी हमारे एक तो ये बाहर का वेद है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ये चतुर्वेद जो चारों वेदों का जो ज्ञान विज्ञान है और एक अंदर का वेद है साम हैस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भा विवारा चित्तम सर्वमोतम तनमे मनहा शिव संकल्प मस्तु तो ये एक अंदर का भी वेद है एक बाहर का वेद है इन दोनों में कोई भेद नहीं उस प्रभु का अगर हम चिंतन करते हैं प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तो जो बाहर है वो अंदर है जो अंदर है वो बाहर है लेकिन उसको देखने का दृष्टिकोण जो हमारी दृष्टि अंदर की भी दृष्टि हो और बाहर की भी दृष्टि हो तो अंदर हम देखते हैं समाधि के द्वारा बाहर हम इन चक्षुओं भौतिक चक्षुओं से देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है दसवें मंत्र में हम ग्यारहवा मंत्र पढ़ेंगे तो दसवें मंत्र में कहा कि द्यावा पृथ्वी ये द्यूलोक और पृथ्वी लोक के मध्य रहने वाले सब लोगों मैं इस मंत्र समूह को तुम्हारे लिए ब्रवीमी कहता हूं इन मंत्रों के द्वारा तुम्हारे कर्तव्यों का जो है संकेत करता हूं कितनी सुंदर बात कही इसको उन्होंने ही जो है सुना जो जानो जो कि जो है ऋदु उदराहा कोमल उदर वाले हैं जिनका पेट मात्रा में भोजन के कारण सदा कोमल रहता है जो कभी अति भोजन नहीं करते और अग्नि जीवा, जो अग्नि के समान तेजस्वी जीवा वाले हैं, प्रकाश को प्राप्त कराने वाले जानो जो है जान का उपदेश करने वाले अथवा जो अग्नि को ही जीवा स्थानीय बनाते हैं अर्थात यज्ञ करके अग्नि में आहुति देकर यज्ञशेष का ही सेवन करते हैं मित्र जो सबके साथ स्नेह से वर्तता है अथवा मृत्यु व रोगों से अपना रक्षण करता है प्रमिते हित्रायते जो अपने सब कार्यों को सम्यक व्यवस्थित करते हैं जो अपने आप को पापों से बचाते हैं किसी से द्वेष नहीं करते किसी से अत्यंत राग नहीं रखते वो सम अवस्था में जीवन को जीते हैं और वरुणा जो अपने आप को पापों से बचाते हैं पापों से अपने को जो है अलग करते हैं और युवाना जो दुरिता दुरित से अपने को अमिश्रित व जो है सुवित से अपने को मिश्रित करते हैं आदित्यास जो सब जगह गुणों का आदान करने वाले कवया क्रांत बनते हैं पा प्रथाना, अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं हृदय को विशाल बनाते हैं आदि नौ व्यक्तियों ने ही वस्तुतः प्रभु के उपदेश को सुना है ये नौ उपदेश कौन सुनने वाला है तो उसका यहाँ पर वर्णन किया है कि प्रभु की जो वाणी है उसको सुनने का अधिकार या उसको सुनने का सामर्थ्य सुनने की योग्यता किनके अंदर होती है तो ये यहां पर गिनाया कि हम प्रभु के उपदेश को सुने हमें रिदुदरा और जीवा, मित्र सम्राट वरुण और जो है युवा आदित्य कवि व पा प्रथान बनाएगा कितना ही सुंदर यह जीवन हो जितना हम प्रभु का इस प्रकार से उपदेश सुनने वाले होंगे और सर्वताती के लिए याचना अब यहाँ पर जो है जो सुन रहे हैं सुना है और उसको फिर अपने जीवन में उतारना और भी व्यवस्थित रखना तो इसमें बहुत सुंदर बात कही इसको मैं लिखता हूँ फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष ओम हिरण्य ही हिरण्यपाणी सविता सुजीवा सविता सुजिहवा स्त्रिया स्थिरा दिवो विदथे पत्त्य मानहा, देवेशुचास सविता देवेशुचा सविता श्लोकम अस्रेय दशम भ्याम अश्रे रादस्म अस्मद्भ्याम अस्मध्यम आसुव सर्वतातिम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के चौवनवे सूक्त का ग्यारहवा मंत्र हिरण्यपाणि सविता सुजिवास्त्र दिवो विदथे पत्यम दुचा सविता श्लोकमाश्रेयादस्म्य आसुआ सर्वतातिम ओम हिरण्यपाणि सविता सुजिवास्त्र दिवो पत्यमानः पत्यम दु सविता श्लोकम अस्मभ्यं आसुवावर सर्वतातिम जैसे इसके पहले वाले मंत्र में ये बात कही कि प्रभु की वाणी को सुनने वाला वह है जो वास्तव में युवा है आदित्य है कवि है प्रथन है जो धीर वीर गंभीर है प्रभु का भक्त है जो है, अग्निजिहवा मित्र है सम्राट है वरुण है उसको वह जानता है उसकी वाणी को सुनता है और यहां कहा कि हिरण्य पाणी ही हितरमणिय कर्मों को हाथ में लिए हुए हैं, जो व्यक्ति वास्तव में अपने हाथों को शुभ कर्म में लगाते हैं कभी भी गलत कर्म में अपना हाथ नहीं डालते मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता जीवन में लगे ठो करना कहीं जाने अन जाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता उपकार सदा करता जाऊं दुनिया अपकार भले ही करे बदनामी न हो जग में मेरी कोई नाम भले ले लेना कहीं मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता तो मैं कभी भी बदनामी वाला काम ना करूंगा कभी भी गलत राह पर ना चलूं मैं पाप कर्मों से ऊपर उठूं ऐसा सामर्थ मुझको दे प्रभु बहुत सुंदर बात कही है हे प्रभु आनंद सिंधो जान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में हाथ डाले ना कभी हम भूल कर आपकार हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी बने व्रतधारी बने धर्म का पालन करने वाले बने लेकिन कभी हमारा हाथ बुरे कर्म में न जाए हमारा हाथ बढ़े तो सुकर्म के लिए अच्छे कर्म के लिए गलत कर्म के लिए गलत, के लिए, गलत कार्यों के लिए अहितकर अकल्याणकारी अभद्र की ओर हम कभी ना प्रवृत्त हो भद्र की ओर हमारा सदा ही झुकाव हो और उसमें हम अपने अंदर सविता जो अपने अंदर सोम का सवन करता है वीर शक्ति को उत्पन्न करने के लिए यत्नशील होते हैं और सुजीवा सदा अच्छी वाणी बोलने वाले सुजीवा अच्छा सदा शोभन शब्दों को जो बोलता है उत्तम जीवा वाला नहीं तो किसी के आप देखिए कि घर में परिवार में ही कोई इतनी तेज जो है वाणी का प्रयोग करता है कठोर वाणी का कर्कश वाणी का प्रयोग करता है अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है और इसके कारण अनेक बार क्या होता है कि संबंध विच्छेद हो जाता है नाता तोड़ देते हैं लोग रिश्ते तोड़ देते हैं और एक दूसरे के प्रति जो भाव प्रीति का होना चाहिए अप्रीति हो जाती है जहाँ पर प्रेम का भाव हो वहाँ ईर्षा का भाव हो जाता है तो वाणी के प्रयोग से जो है कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में हड्डी होती तो कैसे वाणी बोलती इतनी रसीली लचीली ये वाणी कैसे बनती तो इसलिए प्रभु का ये विधान है इसको हम यद वदामी मधुमत तद वदामी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्य बोलो और प्रिय बोलो सत्य में वो जयते नानितम सत्य की ही जय है तो सत्य से सनी हुई सदा अच्छे शब्दों को अभद्र शब्द का भी न बोलें क्योंकि जो अभद्र बोलते हैं तो उनके जीवन में अभद्र आता है जो सभ्य होते हैं और सज्जन होते हैं सज्ञान से युक्त होते हैं वो सुजीवा होते हैं अच्छी वाणी को शोभन शब्द बोलते हैं दिवा त्रि दिन में तीन बार विदथे जान यज्ञ में आपत्त्यमान सर्वथा गति वाला होता है अधिक से अधिक, अधिक अध्ययन की वृत्ति वाला बनता है व्यक्ति क्योंकि अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वाध्याय अपना भी अध्ययन करना और आ, स्वाध्याय की तो बड़ी महिमा ऋषियों ने गाई है चाहे उपनिषद हो चाहे दर्शन हो हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय की बहुत ही महिमा गाई इसलिए नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी पाप तापों का अवसान हो जाएगा सत्संग करते रहो एक दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो सद जान से हम युक्त हो हमारी वृत्ति जो है वो देव वृत्ति हो और सविता कहा कि जो है वेद जान द्वारा प्रेरणा देने वाले प्रभो आप च निश्चय से देवेशु देववृत्ति वाले पुरुषों में ही श्लोकम इस जान को सेवित को सेवित कराइए उन्हीं वेद जान दीजिए जो वास्तव में ऐसा दिव्य जीवन जी पाते हैं आत और अस्मभ्यम हम सब के लिए सर्वतातिम सब सदगुणों के विस्तार को आसुव प्रेरित करिए विश्वानि देव सवितर परासुव यद भद्रम तन्न आसुव जो कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव पदार्थ हैं वो हमको आसु प्राप्त कराइए और जो दुर्गुण है दुर्व्यसन है दुर्व्यवहार है दुख है द्वंद्व है तन्न आसु परासुव उनको दूर कर दीजिए विश्वानि देव सवितर दुरितानि उनको दूर कर दीजिए यद भद्रम जो कल्याणकारी है वो आशु प्राप्त कराइए यही इस वेद मंत्र में कहा असम आशु सर्वतातिम हमको जो है सब सदगुणों के विस्तार को हमको प्राप्त कराइए प्रेरित करिए आपकी कृपा से हम अपने अंदर सदगुणों का विकास करने वाले बने अच्छी वाणी बो बोलने वाले बने प्रभु के उपदेश को सुनने वाला हिरण्यपाणी सविता तथा सुजीव बनता है प्रातः मध्यान्ह वा वाध्यायशील होता है प्रभु देवों को यह जान दे और हम सबके लिए कल्याण करे क्योंकि यही जो है आ, हमारे जीवन को और जगत को कल्याण से भरने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं है इसलिए बहुत सुंदर बात कही है मनवा ईश्वर के, के गुण गाना मनवा ईश्वर के गुण गाना यदि अपनी जीवन नैया को चाहे तो पार लगाना मनवा ईश्वर के गुण गाना अरब खरब धन जोड़ के रख ले दुनिया भर का राज तू कर ले अरब खरब धन जोड़ के रख ले दुनिया भर का राज तो कर ले इस पारे को अंगारे पर जो चाहे ठहराना इस पारे को अंगारे पर जो चाहे ठहराना मनवा ईश्वर के गुणगाना धन तो धारा में धरा रहेगा और बैंकों में पड़ा रहेगा धन तो धारा में धारा रहेगा और बैंकों में पड़ा रहेगा जिसको कहता मेरा, मेरा एक दिन होगा बेगाना जिसको कहता मेरा मेरा एक दिन हो बेगाना मनवा ईश्वर के गुण गाना यदि अपनी जीवन नैया को चाहे तुपार लगाना मनवा ओम ओम गाना मनवा ईश्वर के गुण गाना मोहमाया में होकर अंधा भूल गया निज धर्म का धंधा मोहमाया में होकर अंधा कर बैठा तू गोरख धंधा जिस दिन पड़े गले में फंदा उस दिन हो पछताना जिस दिन पड़े गले में फंदा उस दिन हो पछताना मनवा ओम ओम गाना मनवा ईश्वर के गुड़ गाना प्राणों का भी प्राण हमारा यदि उसमें हो ध्यान हमारा प्राणों का भी प्राण हमारा यदि उसमें हो ध्यान हमारा ठाकुर उसकी अमृत धारा प्रभु है उसकी अमृत धारा बिन नहीं ठोर ठिकाना मनवा मनवा ओम ओम गाना मनवा ईश्वर के गुण गाना यदि अपनी जीवन नैया को चाहे तू पार लगाना मनवा ओम ओम गाना मनवा ईश्वर के गुण गाना मनवा ईश्वर के गुण गाना ओम शांति शांति शांति